सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में एक और स्किन ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। काफी टाइम बाद आ रही है स्किन ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा एक स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है और उसमें थोड़ा सा एडवांस है कि अब स्किन हेयर एंड वेट मैनेजमेंट प्लान भी है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है एक स्किन ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है मेरे एक क्लाइंट की जिनका नाम है अमित। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं उनका बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स। सो अगर आप इस प्लान को ज्वाइन करना चाहते हो आफ्टर वॉचिंग हिज ट्रांसफॉर्मेशन तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, उसमें सारी लिंक्स है और व्हाट्सएप नंबर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्लान से जुड़ी, वो ये है कि इट्स अ पेड प्लान, इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप एक बार जरूर देख लीजिए, कॉन्टेक्ट मी इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अमित की पहली पिक्चर जब उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था और उनका जो फेस था। देखिए एक्नेस भी ना लोगों को कई बार होता है, किसी किसी को सिर्फ चीक्स पे है, किसी किसी को फोरहेड पे है और कभी कभी होता है किसी को सिर्फ लोअर जो लाइन के आसपास में एक्नेस होते हैं। लेकिन अमित के केस में उनको पूरे फेस के ऊपर एक्नेस थे एंड ये जो एक्नेस है ये रेड सिस्टिक बम्स थे जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होते हैं और ये निशान छोड़ के जाते हैं पीछे। जो व्हाइट हेड्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी ट्रीट हो जाते हैं। अगर आपके स्किन के ऊपर व्हाइट हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 3 से 4 दिन मैक्सिमम 1 वीक में जो है व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे रेड बम्स होते हैं ये एक तो बहुत ही मुश्किल से जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा पेनफुल नहीं होते और इनके अंदर हेड नहीं बनता है जल्दी से। हेड का मतलब है कि ये जल्दी से इनके अंदर पस नहीं आता है और जब तक पस नहीं आएगा तब तक ये ट्रीट नहीं होते हैं। कोई भी रेड एक्ने जब आपको होता है उसके अंदर एक बार पहले पस आती है देन फिर वो जो है धीरे धीरे हील होता है। कई बार ऐसे भी हील होता है लेकिन निशान छोड़ के जाते हैं इस तरह के एक्नेस। तो ये इनका सबसे बड़ा जो है एक ड्रॉबैक होता है कि जब आपको रेड सिस्टिक बम्स होते हैं तो ये काफी ज्यादा मार्क्स जो है पीछे छोड़ करके जाते हैं। और अगर आपका जो स्किन टोन है वो बहुत ज्यादा फेयर है तो फिर और ज्यादा ये जो है निशान देखने को मिलते हैं आपके फेस पे, और ज्यादा जो है गहरे दिखते हैं निशान आपके फेस पे और बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है आपका फेस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है फेस की वजह से बहुत ज्यादा आपका जो है कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कुछ ऐसा ही अमित के साथ में हो रहा था। ही इज अ मॉडल एंड जब उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया तब उन्होंने मुझे पूरा अपना एक्सप्लेन किया कि वो क्या काम करते हैं। सो ही इज अ मॉडल एंड उसके लिए उसका फेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज शूट्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ही वॉज वेरी वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज स्किन। सो फिर हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड जो भी आफ्टर रिजल्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये 1 मंथ के आफ्टर रिजल्ट्स हैं। अभी भी इनका ट्रीटमेंट जो है अभी इन प्रोसेस है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ क्योंकि इनके एक्नेस जा चुके हैं लेकिन अभी मार्क्स बाकी हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इस तरह के जो एक्नेस होते हैं ये पीछे मार्क्स छोड़ करके जाते हैं दोस्तों। सो ये धीरे धीरे अभी ठीक होंगे लेकिन 1 मंथ के हिसाब से इनकी जो रिकवरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है मैं बोलूंगा। इसमें सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूँ कि प्लान किस तरह से जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह से आपका ट्रीटमेंट होता है। सो जो प्लान रहता है 50% डाइट प्लस 50% आपका जो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स या अदर चीजें होती हैं जिसके अंदर जैसे कुछ हर्ब्स भी होती हैं, लाइक किसी को हार्मोनल एक्ने का इशू है तो उसके अंदर हम हर्ब्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि आपके हार्मोन इम्बेलेंस ठीक कर सके। कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं। तो 50% डाइट होता है एक तरह से आप मान के चलिए, डाइट यानी कि बिल्कुल नेचुरल घर का खाना। डाइट में मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल रॉ फूड जो होता है, डाइट से मेरा मतलब है यहाँ पर 50% जो डाइट से मेरा मतलब है यहाँ पर होलसम फूड, ठीक है, यहाँ पे किसी सप्लीमेंट का जिक्र नहीं कर रहा। प्लस 50% जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसी के अंदर मैं जो है काउंट कर रहा हूँ सप्लीमेंट्स को, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हैं वो मेनली जो होते हैं आपकी स्किन के लिए ही होते हैं। अब ये सप्लीमेंट्स तरह तरह के होते हैं सबकी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, जिस तरह आपकी कंडीशन है, जिस तरह का आपका गोल है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है। लेट्स से किसी को बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा, किसी को थोड़ा स्लोली भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मोस्टली क्या होता है 99% लोगों को बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं क्योंकि एक्नेस वगैरह की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा होता है। कई बार क्या होता है ट्रीटमेंट सब पे अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। कभी कभी होता है किसी को बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं बिकॉज कुछ डाइट्स होती हैं जो बहुत ही अच्छे से कुछ लोगों के लिए वर्क करती हैं, बहुत अच्छे से सूट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनके ऊपर कई बार चीज़ें जल्दी से सूट नहीं करती हैं, सूट भी कर रही हैं तो फिर उनको इस तरह के जो है रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं लेकिन जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो 30 to 60 days रहता है, और बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने की कंडीशन है तो 90 days का ट्रीटमेंट का आपका पूरा पैकेज होता है।
और इसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास में दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप हमारे थ्रू ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन से परचेस कर सकते हो, क्योंकि हमें इसमें कोई इशू नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप ऑफलाइन लेना चाहते हो आप ऑफलाइन ले सकते हो, और हमारे थ्रू लेना चाहते हो तो हमारे थ्रू भी ले सकते हो। अगर आप हमसे परचेस करते हो तो उसके अंदर आपको कुछ एडिशनल जो है डिस्काउंट मिल जाता है मार्केट रेट से, तो जैसा भी है, और कुरियर के थ्रू आपके घर पे जो है 3 से 4 दिन के अंदर जो है डिलीवर हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो अगर आप सफर कर रहे हैं किसी भी तरह के एक्ने से, सिस्टिक एक्ने, हार्मोनल एक्ने, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, स्किन में ग्लो नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा बेजान हो गई है, आपको स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपको हेयर ट्रांसमिशन प्लान चाहिए तो आप हेयर ट्रांसमिशन प्लान भी ले सकते हैं, एंड वेट मैनेजमेंट प्लान भी, वेट मैनेजमेंट प्लान भी आप ले सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो हॉट सेलिंग जो है वो स्किन का ट्रांसमिशन प्लान ही है। अमित के केस में मैं बात करूँ आपसे, तो इन्होंने मेरी वीडियोज़ देख के ही मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, एंड पहले ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे जो कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने कभी अपने चैनल पर प्रमोट नहीं करे। ये मोस्टली वही प्रोडक्ट्स थे जो कि उनके एड्स आपको टीवी पे दिखाए जाते हैं, या वो ब्रांड जिनके एड आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो में देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अच्छा अपने वीडियोस में बात करिए कि वो प्रोडक्ट्स के लिए आपको नहीं जाना है जिनके एड्स आपको टीवी पे दिख रहे हैं, बिकॉज मोस्टली, या आप, मैं बोल सकता हूँ 95% जिनके आपको ज़्यादा एड्स देखने को मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, बिकॉज जो कंपनीज एक्चुअल में अच्छी होती हैं वो अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं एडवर्टाइजमेंट पे ना करके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो उन प्रोडक्ट से दूर ही रहिए जो कि बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं कि आपको गोरा बना देंगे या आपके एक्ने पिंपल्स को 2 हफ्तों में क्लीन कर देंगे, बिकॉज जिनके एड्स टीवी पे आ रहे हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं। मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, उनका एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से मोस्टली, या मैं बोलूँ 90% लोगों को पता भी नहीं होता कि वो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट भी करते हैं, दैट्स वाई वो उनको खरीद नहीं पाते हैं। और इसीलिए जो प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं उनको आसपास के केमिस्ट शॉप पे, आसपास के कॉस्मेटिक शॉप पे, वो उन्हें परचेज कर लेते हैं। एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है ना कि कॉस्मेटिक शॉप वाला भी अपने आप में एक डॉक्टर होता है, मेडिकल वाला भी अपने आप में एक डॉक्टर होता है, आधे से ज़्यादा ट्रीटमेंट तो वो खुद ही बताने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं जो कि खुद ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल एडवाइस, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, बिकॉज एक्नेज एक ऐसी चीज़ है कि इनिशियली अगर आप उन्हें स्टॉप कर लोगे आपकी स्किन बच जाएगी, आपका फेस बच जाएगा, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं आपकी स्किन में तो ये जल्दी से ट्रीट नहीं होते हैं, और दूसरा पीछे छोड़ के जाते हैं जिद्दी निशान जिन्हें ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके फेस पे गड्ढे हो जाते हैं जो कि बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है ट्रीट करना। सो समझदार बनिए, एक प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, खुद से ट्रीटमेंट मत कीजिए, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है किसी भी रीजन से तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारा स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे, बेस्ट ऑफ लक।